रुक्मणी जी ने आज तक राधा रानी को देखा नहीं था, केवल सुना था। कैसे सुना था? जब द्वारिकाधीश शयन करते थे ना, तब कैसे करते थे? सोते सोते पूरे कक्ष में राधा 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 गूंजता था। जब श्याम सुंदर सांस लेते थे, राधा राधा, तो रुक्मणी जी जानना चाहती थी कि राधा कौन है, क्या मुझसे भी अधिक सुंदरी है जिससे श्याम सुंदर इतना प्रेम करते हैं। तब कुरुक्षेत्र के मैदान में रुक्मणी जी और राधा रानी का मिलन। जैसे ही कक्ष में प्रवेश करती हैं शिविर में रुक्मणी जी राधा रानी के दर्शन के लिए, तो वहां पर एक अत्यंत सुंदर कन्या बैठी है शिविर के मुख्य द्वार पर, और उसके रोम रोम से मानो करोड़ों सूर्य प्रकट हो रहे हैं। रुक्मणी जी सोचती हैं कि यही राधा रानी है, और राधा रानी समझकर उनको प्रणाम करने लगती हैं। वो पांव को पीछे करती हैं और कहती है, नहीं नहीं रुक्मणी जी, हम राधा रानी नहीं है, अरे हम तो उनकी दासी ललिता हैं। रुक्मणी जी के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। अरे जिसकी दासी के रोम रोम से करोड़ों सूर्य प्रकट होते हो, इतनी पुंजमान इतनी प्रकाशमान, वो स्वामिनी कितनी सुंदर होगी। और तब राधा रानी का दर्शन करना। राधा रानी के लिए गर्म दूध लेकर के गई और राधा रानी से बोला कि ये दूध श्याम सुंदर ने भेजा है। बिना कुछ सोचे समझे श्याम राधा रानी ने एक ही घूट में दूध पी लिया। इधर तो दूध पिया और उधर जैसे ही वापस रुक्मणी जी द्वारिकाधीश के पास पहुंची, द्वारिकाधीश एक चादर को ओढ़े दर्से करा रहे हैं और भगवान के पांव में छाले हैं। अरे द्वारिकाधीश, आपके चरणों में छाले कैसे पड़ गए? आपकी ये हालत कैसे हो गई? द्वारिकाधीश कहते हैं, तुम राधा रानी से मिलने गई थी। रुक्मणी जी कहती, हाँ तुम्हें कैसे पता? तुम गरम दूध लेकर के गई थी। हाँ, अरे राधा रानी को तुमने जैसे ही गरम दूध दिया उन्होंने पी लिया और उस गरम दूध से उनके हृदय जल गया। उनके हृदय में ही तो मेरे चरण है भैया। केवल उनका हृदय नहीं जला, मेरे चरणों में छाले पड़ गए। ऐसा है राधा रानी का प्रेम।